घर पे फ़ोन आया तो उन्होंने बोला भाई तुम भाग जाओ तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी। तो मैंने बोला भाई क्यों पकड़ लेगी, तो बोला भाई तुम्हारी सिम हमारे पास थी। तो मैं तो घर पे था सर, मुझे घर से लेके आए। इसके अलावा तो मैंने कोई मदद की थी उनकी? नहीं सर, नहीं सर। फैसल को कब से जानते हो? सर मैं जेल में था तो मैं इनके हांडी में था, खाना वाना पकाता था सर। तो क्यों जेल क्यों गए थे सर? उस टाइम पे मेरे भाई ने केस कर दिया था, मैं अपने भाई के साथ रहता था, हमारी वालदा वालिद तो है नहीं सर। तो तुम भी सेटअप में थे इन लोगों के साथ? नहीं सर, मैं अपना चप्पल का काम करता हूँ सर। जेल में कौन से केस में थे? अच्छा जेल में किस केस में थे ये बता दो सर। खून के केस में सर। किसका खून? सर वो पता नहीं कौन था, मेरे भाई ने मारा था सर। पुलिस ने गुलिस्तानी जौहर में दौरानी डकैती पुलिस अफसर सरवर कमांडो की साली को कत्ल करने वाले मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जरा के मुताबिक वाकये का मरकजी मुलजिम फैसल उर्फ काला सजाए मौत पाने वाले मुत्तहदा कारकुन सौलत मिर्जा का करीबी साथी है। मुलजिम 150 से जायद डकैती कत्ल और पुलिस मुकाबलों के वाकयात में मुलव्वस है। इस गैंग का ताल्लुक MQM लंदन से है और ये एक बहुत बड़ा गैंग है जो कराची के अंदर 100-150 वारदातों से ज़्यादा हाउस रॉबरीज और डकैती में मुलविस रहे हैं। ये सबका क्रिमिनल हिस्ट्री याफ्ता हैं और 15-15 साल जेल में सज़ा काट चुके हैं, दोबारा वापस आए हैं। जेल के अंदर इनके साथी मौजूद हैं, ये तकरीबन 22 से 25 बंदों का गैंग था जिसमें से काफ़ी सारे लोग मारे गए और कुछ लोग इनके जेल में हैं, कुछ ये जेल से बाहर निकल के आए हैं। और सौलत मिर्ज़ा ग्रुप से इनका ताल्लुक रहा है माजी में और ये उन्हीं इसी ग्रुप के ये कारिंदे हैं। SSP ईस्ट के मुताबिक फैसल उर्फ काला घर में आग से झुलस कर जख्मी हुआ था। मुलजिम की अस्पताल में मौजूदगी की इत्तला पर छापा मार कर उसे गिरफ्तार किया गया है। इसके अंदर एक कलाशनकोव, एक TT पिस्टल और एक कार जो होंडा कार है, पुलिस की कैप्स, ब्लू लाइट और बहुत सारी गोलियां जो हैं वो पुलिस को रिकवर हुई हैं। और इस केस को इंस्पेक्टर शाहरा फैसल, सर्वर कमांडो और SHO अजीज़ भट्टी और इंचार्ज IT, उन्होंने SP साहब गुलशन की सुपरविजन में बहुत अच्छा काम किया है, जिनके लिए एडिशनल IG साहब ने 1,00,000 रुपए रिवॉर्ड का ऐलान भी किया है। और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि इसके जो बकिया साथी हैं वो भी गिरफ्तार होंगे। SSP ईस्ट ने मीडिया को बताया कि मुलजिम फैसल के साथी अजमत अनवर उर्फ ग्रेनेड और रहमत भी MQM लंदन के कारकुन हैं, जबकि वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी मरकजी मुलजिम फैसल की अहलिया के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस मुकाबलों में गोलियाँ लगी हुई हैं, टांगों से जो है वो काफ़ी जो है वो माजूर हैं, हार्डन क्रिमिनल हैं और पिछले तकरीबन 20 साल से ये कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, पूरे कराची में, नाजमाबाद, गुलशन, बहादराबाद, फिरोज़ाबाद, सदर, डिफेंस, क्लिफ्टन, हर जगह पे ये वारदातें करते रहे हैं, उसके जो है इंकशाफात हुए हैं। डकैती और जो चोरी के सामान से जो इन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, हमने उसकी भी लिस्ट बनाई है और जो बोगस नामों से इन्होंने प्रॉपर्टीज़ ख़रीद के और दूसरे लोगों को बिठाया हुआ है, उनके बारे में भी हमने जो है वो इंफॉर्मेशन ले ली है और उसके ऊपर भी हम सख्त क्रैकडाउन करेंगे।